Assalamu alaikum guys, my name is Syed Abbas Zaidi and aaj ke is video tutorial ke andar hum log dekhenge ke kis tarike se hum log using x or gate ek even parity generator jo hai wo circuit design kar sakte hain jo automatic hamare paas even parity generate kar raha hoga. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पैरिटी बिट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होती है इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी क्या होती है. अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारी वीडियो देख लीजिए. इवन पैरिटी जनरेटर हम लोग बनाने जा रहे हैं यूजिंग एक्स ऑर गेट. अब हमने करना क्या है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग करने क्या जा रहे हैं, एक मेरे पास कोड गिवन है 0101. ये मेरे पास एक कोड गिवन है 4 बिट का. मैंने इसका बनाना है इवन पैरिटी जनरेटर. ये मेरे पास इसकी MSB है और ये मेरे पास इसकी LSB है. मुझे क्या करना है कि ये ऑटोमेटिक एक मैं ऐसा सर्किट डिज़ाइन करूँगा जो मेरा ऑटोमेटिक बता दे कि ये मेरी इवन पैरिटी जो है इसमें एरर है या नहीं है. तो और यूजिंग XOR गेट यूज़ करनी है, मैंने XOR गेट को यूज़ करते हुए वो डिज़ाइन करना है. तो आइए हम चलते हैं अपना एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं. सर्किट हम लोग डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैंने एक XOR गेट लिया. ये मेरा एक XOR गेट आ गया. इसकी मेरी 2 इनपुट्स हैं A और B. इन चारों को मैं नाम दे देता हूँ. ये मेरा जो है A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है. जो मेरे पास पैरिटी जनरेट होगी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर F के नाम से, कि ये मेरे पास पैरिटी जो जनरेट होकर आएगी यहाँ पर वो एक F के नाम से होगी. ये मेरा कोड है, कोई भी कोड हो उसके लिए मैं एक जनरेटर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ. इसके अंदर मैंने करना क्या है कि मैं इसके अंदर देखूंगा कि मेरे पास 2 इनपुट्स हो रही हैं. अब मुझे पता है जो XOR गेट होता है हमारे पास, XOR गेट हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, XOR गेट के अंदर हमारे पास ये काम हो रहा होता है कि XOR गेट की जो सेम इनपुट्स हमारे पास आ रही होती हैं, सेम इनपुट्स के ऊपर हमारा XOR गेट जो है वो हमें आउटपुट दे रहा होता है 0. सेम इनपुट्स के ऊपर XOR गेट हमें 0 आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है और जो डिफरेंट इनपुट्स होती हैं उनके ऊपर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है 1. तो अब क्या लॉजिक लगेगी XOR गेट को मैंने यूज़ करते हुए, कुछ लॉजिक लगानी है कि मेरी क्या लॉजिक लगेगी कि मेरा जो ये गेट है वो डिज़ाइन हो जाए. अगर मेरे पास दोनों यानी कि सेम इनपुट्स आ रही हों तो उसके ऊपर जो है वो आउटपुट मुझे प्रोवाइड कर दे और मेरे पास ये पैरिटी जनरेटर बन जाए. मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक XOR गेट से जो आउटपुट आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए की जगह प्रोवाइड किया 1, मेरे पास ए की जगह 1 है और बी की जगह मैंने इसको इनपुट दी 0. अब मेरी डिफरेंट इनपुट्स हो गई 1 और 0. जब 1 और 0 का ये मेरे पास आउटपुट दे रहा होगा तो मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा 1 और 0 का. जब जैसे मैंने आपको बताया सेम के ऊपर 0 दे रहा होता है तो 1 और 0 डिफरेंट है, डिफरेंट पर आउटपुट मेरे पास 1 आ रहा होगा. ठीक है, मैं क्या करता हूँ सी और डी के लिए एक और गेट ले लेता हूँ. मैंने एक और XOR गेट ले लिया, इसमें मैंने इनपुट कर दी सी और डी. अब क्या होगा, मेरे पास सी और डी आ गए. सी मेरे पास जो है वो 1 है और डी मेरे पास जो है वो 0 है, यानी दोबारा डिफरेंट इनपुट्स हैं तो डिफरेंट इनपुट्स पे दोबारा आउटपुट मेरा 1 आ जाएगा. दोनों आउटपुट मेरे सेम होगा. अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों आउटपुट्स के ऊपर मैं एक और XOR गेट लगाता हूँ. जब मैं इन पर एक और XOR गेट अप्लाई कर दूंगा तो अब मेरे पास जब दोनों सेम इनपुट्स आ रहे हैं, सेम इनपुट के ऊपर ये मुझे आउटपुट देगा 0. इससे क्या चीज़ सामने आई है मेरी, ये मेरे पास यानी कि जो आउटपुट आई है मेरे पास F हो गई, तो F मेरा यहाँ पर 0 आ गया. अब मैं इवन पैरिटी चेक कर रहा था, नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो मेरे, नंबर ऑफ वंस जो है इसमें 2 है, यानी कि नंबर ऑफ वंस मेरे पास इवन है तो इसका मतलब एरर नहीं है. मुझे 0 चाहिए था, मेरा आंसर 0 आ गया. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको 2-3 इनपुट्स के लिए, डिफरेंट इनपुट्स के लिए चेक कर लेता हूँ 0, 1, 0, 0. अब देखिए ए मेरा 0 है, बी मेरा 0 है, दोनों 0 हैं. मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, सेम पे 1, सेम पे मेरे पास आउटपुट आएगी 0. सेम है तो आउटपुट 0. उसके बाद मेरा सी और डी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट पे 1 आएगी. तो जब 1 और 0 चेक होगा तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी 1, क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट पे 1 देता है तो इसकी पैरिटी मेरे पास 1 आ जाएगी. अब देखिए क्या सही आई है मेरे पास पैरिटी, नंबर ऑफ वंस मेरे पास यहाँ पर ऑड है, इवन नहीं है, तो इसका मतलब कि एरर है इसके अंदर. तो मेरे पैरिटी बिट जनरेटर ने जो है वो मुझे एरर ऑटोमेटिक फाइंड करके दे दिया. तो हमने XOR गेट को यूज़ करते हुए एक इवन पैरिटी बिट जनरेटर बनाया है. इसमें आप कोई सी भी 4 इनपुट करेंगे,
अगर तो आपकी वो इनपुट्स जो हैं वो इवन होंगे, उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, तो हमारे पास आउटपुट हमेशा ज़ीरो आएगा। ये हमारा एक इवन पैरिटी बिट जनरेटर कहलाता है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम लोग आपको ऑड पैरिटी बिट जनरेटर के बारे में बताएंगे और फर्दर पैरिटी बिट्स के ऊपर हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।